बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को आज 25 साल रोज़ा ना 25 साल रोज़ा भाई, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज संडे है तो भाई संडे के दिन आपको पता था कि भाई की तरफ इफ्तारी है सब दोस्तों की, तो इफ्तारी के इंतजाम कुछ हो रहे हैं और अभी चाट वगैरह बन रही है। बाकी जो सारा कुछ सामान था ना वो कम्प्लीट करके रख दिया था कि यार इफ्तारी के वक्त ना बिल्कुल भी टेंशन ना हो। अभी ये देखो ये बन रही है चाट वगैरह बन रही है देखो, और ये बनेगी भाई क्रीम फ्रूट चाट, क्योंकि वो शादी वाली तो खा खा के ना भाई बिल्कुल ही उकता गए हैं। तो आज मैंने सोचा क्रीम फ्रूट चाट बनवाते हैं, क्योंकि क्रीम फ्रूट चाट ही हमारे घर में ज़्यादातर बनती है। बाकी ज़्यादातर तो शादी वगैरह ज़्यादातर लोग खाते हैं, लेकिन हम अब क्रीम फ्रूट चाट पर टूट पड़े हैं। पहले हम भी शादी खाते थे, फर्स्ट टाइम बनाई ना तो मम्मा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बहरहाल आज वो चाट बन रही है, और साथ क्या बन रहे हैं? दही बड़े बन रहे हैं भाई, दही बड़ों के साथ बन रही है पकौड़े और समोसे वगैरह। कुछ बाहर से कर लेंगे कुछ इंतज़ाम वगैरह। उसके बाद खाने के बाद पुलाव शलाव बन रहा है, पानी शानी टैंक शैंक। तो चलें इफ्तारी के इंतजाम पूरा करते हैं और अपने आप अपनी भी थोड़ी सी हालत सुधारते हैं। मैं ट्राउज़र शर्ट में घूम रहा हूँ, तो मिलते हैं आपसे जैसे इफ्तारी के इंतजाम वगैरह पूरा होता है उसके बाद इंशाल्लाह ताला। जी तो भाई लोग, कैसी लगी आप लोगों को इफ्तारी? इफ्तारी कैसी लगी आप लोगों को? मुजरे बंद करो यार, नहीं तो 150। कैसी लगी इफ्तारी? रोने लगा दिए, रोने लगा रैन साहब, इस तारीख में मजा आया आपको? आप बताओ भाई यार। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी यार, आप इतने गोरे आ रहे हो, क्या बताऊं? जी तो यार आज इफ्तारी वगैरह थी अपनी तरफ, तो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है और ये फ़र्ज भी हमने अदा कर दिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स वगैरह हो गया था, सब भाई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया सारा सीन वगैरह। और कुछ दोस्त वगैरह भी चले गए हैं, तो बस जैसे आहिस्ता आहिस्ता जिसको जैसे जल्दी पड़ी हुई थी घर की वो चले गए हैं, और जो जिनको बिठाना था जो घर से ही फारिग थे वो यहीं बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी सी टॉक शॉक चल रही है, गप्पे शप्पे चल रही हैं। यहाँ से फ्री होकर इंशाल्लाह ब्लॉग को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और बाकी का सीन आपको नेक्स्ट बताएंगे ब्लॉग को जब कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कुछ देर बाद, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें। जी तो यार इफ्तारी का अरेंजमेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और तमाम दोस्त आ गए थे। दो दोस्त बीच में से भाई फिर भी टुल्ला मार गए, यानी कि एबसेंट थे, वो नहीं आ सके, उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह के घर इफ्तारी थी। तो मैंने कहा चले यार जिसके नसीब में थी वो हो गई है। बाकी जो दो दोस्त एक्स्ट्रा जिसको हमने बताया हुआ था वो भी माशाल्लाह से आ गए थे, और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था इंतज़ाम, और सारे के सारे दोस्त बिल्कुल भाई अच्छे से रच के और उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजा, ताकि किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो माशाल्लाह हमने अपना ये जो फ़र्ज़ था भाई अदा कर दिया है। हमारी तरफ था कि भाई इफ्तारी करवानी थी मैंने बहुत टाइम पहले, यानी कि सबसे पहले मैंने ही करवानी थी दोस्तों में, लेकिन कुछ मामला वगैरह कुछ परेशानी वगैरह घर पर आ गई थी जिस वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने वादा किया था भाई मैंने पूरा कर दिया। अब भाई ये दोस्त अगर जो मेरे दोस्त व्लॉग देख रहे हैं उन सब के लिए भाई ये चीज़ बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, जो मैंने अपना वादा किया था भाई वो पूरा कर दिया इफ्तारी का, वो मेरी तरफ से इफ्तारी डन हो चुकी है। और आज जिस लोगों ने बाकी सब जिस दोस्तों ने इफ्तारी करवाई उन सब दोस्तों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया है भाई, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक उन सब के रिस्क में खानों में बरकत दे, अल्लाह पाक उन सब के वालदैन को लंबी सेहत में शफाए अब ज़िंदगी तफ में। तो बहरहाल अभी फ्री होकर बैठे हैं और इस कदर में थका हुआ ना कि भाई टांगों में से ना बिल्कुल यानी ऐसे निकल लग रहा है कि जान निकल रही है, दर्द इतना हो रहा है टांगों में, और दिल कर रहा है कि भाई इस टाइम ना बस सो जाऊं किसी तरह, सो जाऊं बस कोई काम ना करूं। लेकिन भाई व्लॉग को एडिट करना, व्लॉग को अपलोड करना, ये तो सब कुछ लाजमी है, थंबनेल को एडिट करना, एक तो ये थंबनेल का बहुत बड़ा काम पड़ जाता है। लेकिन अब माशाल्लाह अपने जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं वो आई कैचिंग होती हैं, आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये भाई, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है ये सब कुछ। बहरहाल बाकी जैसे अब रमज़ान भाई एंड हो रहा है, और अब कोई पता नहीं कि भाई जो अभी जुम्मा गुजरा है या अलविदा का जुम्मा था, या अभी जो जुम्मा आएगा वो अलविदा का जुम्मा होगा। आता भी है कि पाकिस्तान में कोई सीन का पता नहीं होता कि भाई कब ईद कर दें, कब चांद रात कर दें, कब जुम्मा अलविदा का कर दें, कब जुम्मा दूसरा कर दें, कोई सीन नहीं पता होता। तो ये सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में तो होता है, लेकिन ये पाकिस्तानी भाई अपने हाथ में लेकर बैठे होते हैं, इनका कोई पता नहीं होता है मुफ्तियों का। बहरहाल यार ये उनके काम है, वो अच्छे से जानते हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको उनकी जजा सजा वो अल्लाह पाक देगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये अल्लाह पाक के हवाले है सब कुछ। तो
तो अब बस बैठ कर इस व्लॉग को एडिट करा करेंगे यार। इतना कोई घर में काम वगैरह जब पड़ जाता है ना कि हर एक चीज़ को समेट कर खुद लाना है भाई, बाज़ार से हर एक चीज़ लेकर आनी है, खाने पीने का, फ्रूट वगैरह सारा कुछ, पकौड़ों का सामान, ये वो, तो उसके बीच में व्लॉग वगैरह बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं उस टाइम इतना कोई ऑकवर्ड लग रहा था ना मुझे कि भाई जल्दी से जल्दी ना सब कुछ समेट और हर चीज़ मेरे दस्तरखान पे हो ताकि सब दोस्त जो है ना भाई वो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर बैठें और इजी होकर खाएं माशाल्लाह से। और ऐसा ही हुआ भाई, अल्लाह पाक ने साथ दिया और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो बहरहाल अब बिल्कुल भी थकावट अपनी से थोड़ी सी दूर करके वीडियो एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे और आप लोगों से जो वादा है वो भाई वो डेली के डेली वैसे निभाते आ रहे हैं, वो निभाते रहेंगे। हमने यहाँ पे अपने कमरे में अरेंजमेंट्स वगैरह सारा कुछ कर लिया था, देखो चारपाई वगैरह दूसरी निकाल दी थी और यहाँ पे सारा अरेंजमेंट वगैरह था। तो अब बस बैठ कर जल्दी से एडिट करें, व्लॉग को अपलोड करें, उसके बाद सो जाएं बस, क्योंकि सहरी में भी उठना है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं ये व्लॉग या एपिसोड और ये इफ्तारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आया हो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर लाजमी करें, इंस्टाग्राम भाई को फॉलो मस्त, कुछ भी दिल करें दुआओं में याद रखा करें। और रमज़ान मुबारक, बहुत मुकद्दस महीना यार, सब लोग अपनी दुआओं में अपने तमाम अहल ख्याल को भाई, सब दोस्तों को, पूरी दुनिया में जितने भी आपके यार दोस्त हैं ना वो बहन भाई हैं आपके, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट एपिसोड में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए तमाम प्यारे दोस्तों को, तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।